बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है सैयद अब्दुल मोमिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेटल फ्रेम है, ये डिज़ाइन वाला, ये कट वाला फ्रेम है। ये देखें, ये भी कट है और ये भी कट है। इसका बनाने का मैं आपको तरीका बताऊँगा, हमने किस तरीके से इस मेटल फ्रेम में हमने शीशा फिट करना है और किस तरीके से हमने ये कट बनाना है, इसका मैं आपको तरीका बताऊँगा। और इसमें हमने शीशा कौन सा लगाना है, -4 सिलेंडर यूवी ब्लू कट, जिसमें ब्लू लाइट क्रॉस नहीं करती। ये देखें, ये वो शीशा है, हम इस फ्रेम में लगाएंगे। ये देखें, ये सिलेंडर नंबर -4 सिलेंडर, ये देखें, और ये देखें यहाँ से बारीक है और यहाँ से ये मोटा है, ये है -4 सिलेंडर, हम इस मेटल फ्रेम में लगाएंगे। फिर मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। ये देखिए, -4 सिलेंडर इस फ्रेम में लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये आप शीशा चेक करें, ये एंगल वाला शीशा, ये देखिए आप किस तरीके से, हम इसको आप दिखा दो, ये चीज़ आप हिलेगी। ये देखिए, अब हम इसका जो मेटल फ्रेम का पार्टन निकाल लेंगे। ये पार्टन हमने निकाल लिया, अब हम ये शीशा काटेंगे एंगल के मुताबिक। ये जो इसका एंगल है, हमने बिल्कुल सीधा रखना है एंगल। अगर थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया ये वाला, तो हमें साफ नज़र नहीं आएगा, जिसकी यानी कि उसको साफ नज़र नहीं आएगा। इसका जो हमने एंगल बिल्कुल सीधा रखना है, ये लेफ्ट, ये काटेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से हमने काटना है। जो हमारा ये पार्टन है, ये हिलना हिल गया तो हमारा शीशा ये ख़राब हो जाएगा। हमने जो इसका पार्टन है, इसको हमने मजबूती से हमने पकड़ लेना इसको। ये अब हमने राइट वाला निकाल लिया, राइट वाला भी हमने एंगल के हिसाब से ही काटना है। ये देखें, हमने ये शीशा राइट वाला भी काट लिया, इसकी मोटाई चेक करें आप। ये देखिए, यहाँ से मोटा है और यहाँ से ये बारीक है। अब हम इस मेटल फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, ये देखें, शीशे की कटिंग हमने कर ली है, अब हम इस मेटल फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे। हमें ये किस तरीके से -4 सिलेंडर का शीशा हमने इस फ्रेम में हमें फिट करना है। ये देखें, ये लगाई करने का तरीका है, हम इस तरीके से ये साथ में रगड़ेंगे। ये देखें, हमने हम ये फ्रेम के हिसाब से हम शीशे को पहले हम पूरा करेंगे। ये शीशा बड़ा है हमारा, डाली अखदारों में हमने शीशा फ्रेम के साथ पूरा कर लिया। ये इस तरीके से हमने जो है इसकी डाली बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेम के साथ शीशा मेरा पूरा हो गया। अब हम राइट वाला शीशा ये रगड़ेंगे, जैसे आपने लेफ्ट रगड़ा है उसे हम राइट रगड़ेंगे।
ठीक है सर, ये शीशा हमने फ्रेम के साथ पूरा पूरा कर लिया है, अब हम इसकी नाली बनाएंगे। ये नाली बनाने का तरीका है, इस तरीके से हमने जो है फ्रेम के अंदर फिट करने से पहले हम इसकी जो है शीशे की नाली बनाते हैं। ये नाली बनाने का तरीका है, देखिए फिर से शीशा हमारा पूरा पूरा हो गया। अब हम शीशे बफ लगाएंगे और बफ लगा के हम शीशे फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे, हमें किस तरीके से ये शीशा फ्रेम में फिट करना है। पहले हम बफ लगाएंगे, इसमें लग रहा मजा रहे कल से। देखें अब हम शीशे पे बफ लगाएंगे, ये हमें थोड़ा थोड़ा बफ लगा लेना शीशे पे, इसके बाद फ्रेम फिट करेंगे। ये देखें ये थोड़ा थोड़ा हमने बफ लगा लिया, ये चमक आ गई। अब हम फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे, हमें किस तरीके से ये -4 सिलेंडर का शीशा हमने फ्रेम में फिट करना है। इसमें लाइव हमारे रहे कल से। देखें शीशे हमारे तैयार हैं और हम ये फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे। ये पहले हम इसका जो नट है वो लूज कर लेंगे थोड़ा सा, ये फिट करने का तरीका। ये देखिए फ्रेंड्स ये शीशा फिट कर लिया हमने, ये इसका जो नट है हम थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए जब थोड़ा शीशा ने फिट कर लिया, ये बिल्कुल प्रॉपर फिट है, कहीं से दिखला नहीं है। ये -4 सिलेंडर का शीशा ही है। ये देखिए सारी फ्रेम के अंदर मोटाई। अब हम राइट वाला शीशा लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही फिट कर लेंगे। ये देखें ये फिट हो गया फ्रेंड्स, ये देखें कहीं से भी खला नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर फिट है शीशे -4 सिलेंडर वाले। और इस शीशे की मोटाई आप देखें फ्रेम के बाहर से नहीं फ्रेम के अंदर से नजर आएगी आपको। ये देखें फ्रेम के अंदर मोटाई सारी। ये फिटिंग करने का तरीका, ये देखिए फ्रेंड्स ये ऐनक हमारी तैयार है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।